बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दंतेवाड़ा पहुंचे, यहां उन्होंने माता दंतेश्वरी के दर्शन किए। वहीं केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी चेतराम अटामी की नामांकन दाखिल प्रक्रिया में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की सरकार है, जिसके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। जनता की मंशा को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आज मुझे बस्तर में चेतराम अटामी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नामांकन पत्र भरने के अवसर पर उपस्थित रहने का मौका मिला। मैंने दंतेश्वरी माता जी का दर्शन किया, यहाँ की जनता को मिला। जनता बदलाव के मूड में है। भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार और हमारे आदिवासी विरोधी सरकार के सामने जनता में आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है और जनता का फीलिंग को देखते हुए मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मोदी जी का विकास के इंजन के साथ